मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है समग्र मानवीय दृष्टि और इसके रचयिता हैं निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा जी अपने इस लेख में रेणु जी के विषय में चर्चा करते हैं। इस लेख के माध्यम से निर्मल वर्मा जी रेणु जी के स्वभाव, उनकी शालीनता तथा उनके जीवन से परिचित करवाना चाहते हैं। वे रेणु जी के चरित्र से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनके सभी आदर्शों को वो अपने जीवन में उतारना चाहते थे और उन्होंने सभी संभव प्रयास भी किए। निर्मल वर्मा जी इस लेख में लिखते हुए कहते हैं कि मुझे याद है वो दिन जब दिल्ली में इमरजेंसी लगने से कुछ महीने पहले जो जुलूस निकला था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। देश के कोने कोने से लोग इस जुलूस में शामिल होने के लिए आए थे। मैं भी चलते चलते इस अजनबियों के जुलूस में शामिल हो गया। मेरे साथ में चल रहे एक सज्जन से मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा, बिहार से। मैं अचानक से उस सज्जन से पूछ बैठा, रेणु जी भी आए हैं? उस सज्जन ने पहले तो मुझे तिरछी नज़रों से देखा और फिर बोले, नहीं, वह बीमार हैं, आ नहीं सके। मैं चुपचाप उस सज्जन के साथ साथ चलता रहा। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं इस सज्जन से पूछ लूं कि क्या आप उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत देर तक यह प्रश्न मेरे भीतर ही गूंजता रहा। मन में रह रहकर उसके ख्याल आ रहे थे। मैं उनसे 3 बार मिला हूं, लेकिन आज भी आंखें मूंद कर उनका चेहरा हूबहू याद कर सकता हूं। उनके लंबे झूलते बाल, एक छोटी सी मुस्कुराहट जो मन को तृप्त कर देती थी। कुछ लोगों में ऐसी गरिमा होती है जिसका ऊंचे या नीचे वर्ग से संबंध नहीं होता, बल्कि केवल संस्कारों से संबंध होता है। उनकी जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक अपनी तरफ खींचा, वह था उनका उछला हल्कापन, यानी कि वे छोटे से वाक्यों को सन्यासियों की तरह बोलते थे और फिर शर्माकर हंसने लगते थे। इनके इसी हल्केपन के बारे में चेखव जी ने भी इनके बारे में कहा है कि कुछ लोग जीवन में बहुत सहते हैं, ऐसे आदमी ऊपर से बहुत हल्के और हंसमुख दिखाई देते हैं। वे अपनी पीड़ा को दूसरों को नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी जो शालीनता है उन्हें अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करने से रोकती है। लेखक लिखते हैं कि रेणु जी इसी प्रकार के शालीन व्यक्ति थे, लेकिन यह जानने का कभी मौका नहीं मिला कि उनके मन में वे कौन सी यातनाओं की परतें थीं जिन्हें फाड़ कर वे मुस्कुराहट में बदल दिया करते थे। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेखक लिखते हैं कि इस अखबारी खबर पर मैं आज भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी मृत्यु मेरे लिए आज भी सत्य नहीं बन पाई। उनकी बीमारी की बार बार खबर मिलने के बाद भी मैं उनकी मृत्यु की दर्दनाक समाचार के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस व्यक्ति से मैं केवल 2-3 बार ही मिला हूँ, उस व्यक्ति के ना रहने से मेरे लिखने की दुनिया इतनी सुनी हो जाएगी। इस बात का मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था। आगे लेखक लिखते हैं कि मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारी चीज़ों को चाहे कम लोग पढ़ें, लेकिन हम लिखते बहुत कम लोगों के लिए हैं। मैं जिन लोगों को ध्यान में रखकर लिखता हूँ, उनमें से रेणु जी सबसे प्रमुख हैं। जब भी मैं लिखता था तो मेरे मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि मेरा ये कहानी, मेरा ये लेख या उपन्यास पढ़कर वे क्या सोचेंगे। यही ख्याल मुझे कुछ भी बनावटी लिखने से बचा लेता था। कई बार मैं सोचता था कि कुछ लोग हमारे जीवन में सेंसर का काम करते हैं, और यही सेंसर कहीं ना कहीं हमें नैतिकता से जोड़े रखता है। मेरे लिए तो रेणु जी की उपस्थिति ही मेरे लिए अंकुश और वरदान का काम करती है। जिस प्रकार कुछ लोग साधु संतों के पास बैठकर हमें असीम कृपा का एहसास होता है, हम मन ही मन स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रेणु जी की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे ही पवित्रता का बोध करवाती है। आगे लेखक लिखते हैं कि रेणु जी समकालीन हिंदी साहित्य के संत लेखक थे। लेखक कहते हैं कि मैं यहाँ पर संत शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रेणु जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया की किसी भी चीज़ को घृणास्पद और त्यागने योग्य नहीं मानते थे।
उनमें यह विशेषता थी कि वे हर जीवित तत्व में पवित्रता, सौंदर्य तथा चमत्कार खोज ही लेते थे। उनका अर्थ यह नहीं है कि वह धरती में उगने वाले कुरूपता, अन्याय, अंधेरे और आंसुओं को नहीं देखते, बल्कि इन सब को समेटने वाली गुणवत्ता को पहचानते हैं। वे दलदल और कमल को अलग नहीं करते, बल्कि उनके बीच रहस्यमय और अनिवार्य रिश्ते को पहचानते हैं। लेखक कहते हैं कि रेणु जी का मानना है कि सौंदर्य का असली मतलब मनोहर चीज़ों के आस्वादन में नहीं है, बल्कि गहरे अर्थ में चीज़ों के पारस्परिक, सार्वभौमिक, दैवीय रिश्ते को पहचानना है। यही कारण है कि रेणु जी में एक असीम साहस, विवेक तथा विनम्रता छिपी रहती थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर इस अर्थ को देखा जाए तो हर संत व्यक्ति कवि और हर कवि अपने सृजनात्मक कार्य से संत होता है। इसलिए रेणु जी का प्रत्येक लेख जीवन के नैतिक फैसलों, न्याय अन्याय तथा स्वतंत्रता की संघर्ष भूमि की पहचान है। आगे लेखक लिखते हैं कि कैसे अजीब से लेखक थे ये, जो गरीब की यातनाओं में भी इतना रस आनंद भर सकते थे, उदास मरुस्थल में सुरों रंगों की रासलीला देख सकते थे, चारों ओर आंसुओं में भी सौंदर्य को परख सकते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि रेणु जी एथिस्ट थे। एथिस्ट का अर्थ होता है कि जो दूसरों के दुखों को ना समझ सके। लेखक लिखते हैं कि ऐसा नहीं था कि वे दूसरे के दुखों को, पीड़ा को नहीं समझ पाते थे, बल्कि वे हाय हाय करते, छाती पीटते, प्रगतिशील लोगों के आडंबर से बहुत दूर रहते थे। वे मनुष्य की यातनाओं को उनके जीवन से अलग करके अपने सिद्धांत की तरह इस्तेमाल करते थे। रेणु जी अपने निकट से मनुष्य की पीड़ा, मजबूरी और गरीबी को देखा है, इसलिए वह कोई सैद्धांतिक खिलवाड़ नहीं कर पाते थे। साहित्य की दुनिया में वे ऐसे उम्र में आए थे जब अनेक लेखक बहुत सी किताबें लिख चुके थे, इसलिए वह अपने साथ अनुभवों की पूरी संपदा लेकर आए थे और ये अनुभव उनके उपन्यास में इतने ताजे जान पड़ते थे मानो अपने पात्रों को अभी अभी धरती से निकालकर अपनी कथाओं में उन्होंने पिरोया हो। इन्होंने जिस बारीकी और गहरे लगाव से बिहार के एक छोटे से गांव पूर्णिया की जमीन को कुरेदा था और उनके फैलाव को ध्वनित किया था, इसके लिए गद्य की भाषा को काव्यात्मक मुहावरों में ढाला था। यह हिंदी उपन्यास में एक अभूतपूर्व घटना थी। अभूतपूर्व का अर्थ यह नहीं है कि उसमें पहले किसी अन्य लेखक ने अपने गांव या क्षेत्र पर उपन्यास नहीं लिखे। ऐसे कितने ही कथाकारों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने पहले भी अपने गांव तथा क्षेत्र पर उपन्यास लिखे हैं, लेकिन रेणु जी का स्थान इन कथाकारों में सबसे अलग और विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि उनके भीतर बहती हुई जीवन धारा स्वयं पौराणिक सीमाओं का उल्लंघन करती है। बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तर भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया है। यह एक ऐसी रेखा थी जो किसान की किस्मत और इतिहास हस्तक्षेप के बीच गुथी हुई थी। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें, ना जाने इन जैसे कितने ही इतिहास के धागों में किसान की किस्मत उलझी हुई थी। आगे निर्मल वर्मा जी लिखते हैं कि जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर हम जैसे आइंस्टाइन की फिल्मों में पर्दे पर हम जैसे कि देखते हैं, चलती हुई उनकी भीड़ दिखाई देती है, अलग अलग चेहरे हमें दिखाई देते हैं, अनेक तरह की हलचल और तनाव देखने को मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार पूर्णिया के पर्दे पर उसकी पीठिका में हम भारतवासी, ग्रामवासी और इतिहास के बीच मुठभेड़ और टकराव की गड़गड़ाहट को भी सुनते हैं। एक क्षण ऐसा आया था जब पात्र और पीठिका में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों एक दूसरे में इतने गुथ जाते हैं कि मनुष्य, धरती और इतिहास के बीच कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन मुठभेड़ के समय जो बिजली चमकती है, धूल भरे आकाश में जो चिंगारी कोंधती है, रेणु जी ने अपने कैमरे की आँखों में अपने जीवन की इस फड़फड़ाहट को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की है।
तो ये तो था रेणु जी के ऊपर लेख जो निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।